सीएम योगी का आदेश, बुलडोजर ले जाओ या बटालियन उतार दो, 24 घंटे में आरोपी हमें चाहिए। सड़कों पे उतरे डीजीपी, 20 दारोगा, 10 आईपीएस, 500 पुलिस वालों ने लॉन्च किया ऑपरेशन बाबा। मुख्य सचिव खुद सड़कों पर उतरे, हाथरस के डीएम के उड़े होश, यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। हाथरस केस का आरोपी चाहे पाताल में छिप जाए या किसी ताकतवर इंसान के संरक्षण में आ जाए, उसे यूपी पुलिस कहीं भी ढूंढ निकालेगी, क्योंकि यूपी पुलिस ने मुख्य सचिव और डीजीपी को साफ कहा है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है, अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे। मुख्य सचिव का बयान साफ साफ बताता है कि योगी बेहद गुस्से में है, उन्हें हर हाल में जल्दी से जल्दी आरोपी सलाखों के पीछे चाहिए। इसके लिए जितनी पुलिस फोर्स ले जानी है ले जाओ, बुलडोजर ले जाना है ले जाओ, जो आदेश चाहिए निकाल लो, लेकिन लोगों की जान से खेलने वाला बाबा बचना नहीं चाहिए। आधी रात को ही यूपी पुलिस सड़कों पर उतर गई, खुद डीजीपी सड़कों पर आ गए। जैसे ही हादसे की खबर मिली, लखनऊ से सीधा हाथरस के लिए रवाना हो गए। 20 दारोगा, 10 आईपीएस और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर एक साथ मोर्चा संभाले बैठे। कई टीमें बाबा की तलाश में जुटी है, यहाँ तक कि यूपीएसटीएफ भी बाबा के पीछे, कई सिंघम अधिकारियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। योगी देर रात तक बैठक करते रहे, कई सीनियर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते रहे। एक साथ सैकड़ों लोगों के नाम एफआईआर होने वाली, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहला नंबर उसका है जिसका नाम है देव प्रकाश मधुकर, दूसरा है महेश चंद्र, तीसरे नंबर का आयोजक है अनार सिंह जो किसी स्कूल का प्रधानाध्यापक भी है, संजू यादव और महेश चंद्र जैसे कई आयोजक भी पुलिस की हिट लिस्ट में आ गए हैं, जिन्होंने परमिशन लेते वक्त ये लिख कर दिया था सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन चाहिए, लेकिन लोग उससे ज्यादा आ गए। एसडीएम ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और एडीजी को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। रोते बिलखते लोग और वहाँ फैली अव्यवस्था साफ बता रही है, जरूरत से ज्यादा लोग वहाँ बुलाए गए थे। क्या आयोजकों को ये पता नहीं था बाबा के चरणों की धूल लेने के चक्कर में यहाँ भीड़ इतनी उमड़ जाएगी कि उसे बाबा की प्राइवेट आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी? लोगों का गुस्सा भी इस बात पर है कि बाबा ने तो धोखा किया है, यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था ने भी हमारे साथ धोखा किया। कई लोग लिख रहे हैं कि अगर अस्पताल में डॉक्टर की संख्या ज्यादा होती, व्यवस्था सही होती तो कईयों की जान बच सकती थी। तो सवाल ये है कि क्या यूपी में अगला एक्शन स्वास्थ्य विभाग में भी होने वाला है, क्योंकि अस्पतालों से सामने आई तस्वीर साफ बयां करती है कि स्वास्थ्य मंत्री जी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, उसे सिर्फ छापा मारने से नहीं निकाल पाएंगे और कुछ करना होगा। सीएम योगी की टीम इस प्लान पर काम कर रही है, आगे से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग जिलों के डीएम और एसपी को नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। जिन एसडीएम साहब ने हाथरस के गांव में कथा की परमिशन दी थी, अब उनकी भी फाइल खुल सकती है। आखिर परमिशन किस आधार पर दी गई? परमिशन देने के बाद जब ज्यादा भीड़ जुट गई, तो एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ थी? क्या पुलिस की खुफिया विभाग के जवानों को ये नहीं पता चला कि हाथरस गांव में मौत का समागम लगने वाला है, जिसकी तस्वीरें देखकर सिर्फ आंखों में आंसू आएंगे? सिस्टम पर अफसोस होगा और फिर योगी गुस्से में आदेश देंगे, कुछ भी करो लेकिन आरोपी पुलिस की हथकड़ी से बचना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।